अरे ये मंत्र ने क्या किया, उनको धीरे धीरे ये भूर भुव मोह जना तप सत्यलोक सबके सब पार करते हुए कहाँ पर ले गए उनको, सीधा गोलोक वृंदावन में। उनको था सख्य रस, उनके हृदय में था सख्य रस है, और वो मंत्र धीरे 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 उनको पहुंचा दिया था गोलोक वृंदावन में, कृष्ण के साथ में साक्षात कर दिया। ये मंत्र ही, इसलिए गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, कहते ये मंत्र को हमें दृढ़ विश्वास पूर्वक ये मंत्र को हमें जप करनी चाहिए। एक में तो जो दीक्षा मंत्र है, और विशेष करके जो ये महामंत्र गुरु जी हमें प्रदान किया है, ये महामंत्र को हमें निष्ठापूर्वक विश्वास पूर्वक ये महामंत्र को हमें अच्छे तरह से जप करनी चाहिए है। इसलिए एक उदाहरण देखें कैसे जप करनी चाहिए, एक उदाहरण देखें तो बोले जैसे आपको पानी पीना है, बोले पानी कहाँ पर, बोले पृथ्वी में। अगर एक जगह पर खोद दिए, दो तीन फुट खोद दिए, लेकिन देखा वो पानी निकला नहीं, बोले यहाँ तो पानी है। फिर दूसरे जगह पर गए, फिर वहाँ पर भी दो तीन फुट वहाँ भी खोद देते थे, वहाँ भी पानी नहीं निकला। तीसरे स्थान पर गए, वहाँ पर भी खोदे, देखो वहाँ पर अगर पूरा पृथ्वी को ऐसे खोद कर ना तो पानी नहीं निकलेगा। लेकिन ये पानी कब निकलेगा, पानी तभी निकलेगा जब एक जगह पर कंटिन्यू खोदते रहो। जब तक ये पानी नहीं निकल जाती तब तक खोदते रहो, खोदते 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 क्या होगा, एक दिन पानी वहाँ निकल ही जाएगा। इसलिए कहते जो हरिनाम है, ये हरिनाम तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वा नाम नामिना। ये नाम तो साक्षात ही कृष्ण है, रस स्वरूप है, लेकिन ये नाम का फल 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 का प्रदान करेगा जब ये हरे कृष्ण महामंत्र को हम कंटिन्यू जप करेंगे। जैसे माधुर्य कादम ने आप तो सुने हुए हो, माधुर्य कादम ने तो सुने हुए हो है कि जब हृदय का सारी अनर्थ दूर हो जाएगी, उसके बाद में रुचि निष्ठा आसक्ति भाव और प्रेमावस्था में ही कृष्ण दर्शन है। इसलिए कहते हरिनाम को कैसे मंत्र जप करना पड़ेगा, इसलिए महाप्रभु बोले ना कि शयने की भोजने की बा जागरणे अहर निशा चिंता कृष्ण बोला बदन। ये हरिनाम को सोते उठते बैठते चलते हर समय क्या करना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरिनाम को एकदम दृढ़ विश्वास पूर्वक कंटिन्यू 24 घंटा ये हरिनाम को करना पड़ेगा। जब हरिनाम को ऐसे जप करेंगे एक दिन धीरे धीरे सब कुछ अनर्थ निवृत्त हो जाएगा। एक दिन नाम ही एक दिन ही नामी रूप में ये साक्षात रूप में हमें दर्शन प्रदान करेगा। इसलिए जो गुरुदेव ने हमें जो कृष्ण नाम दिया है, गुरुदेव कहते थे कि जो गुरुदेव ने जो माला दी है, ये माला को कभी भूखा नहीं रखनी चाहिए। गुरुदेव कहते तो भूखा रखना मतलब अरे एक दिन हमने ये माला नहीं जप की मतलब है, इसका मतलब क्या, ठाकुर जी उस दिन स्नान नहीं किए, उनकी वस्त्र नहीं बदलाए, ठाकुर जी भोजन नहीं किया, ठाकुर जी दिन भर भूखे रहते। इसलिए माला को गुरुदेव कहते थे कभी भी माला भूखा नहीं रखनी चाहिए, खुद भूखे रह जाओ लेकिन माला को भूखा नहीं रखनी। इसलिए गुरुदेव क्या कहते थे, सवेरे जब नाश्ता करते थे, नाश्ता करने से पहले मुझे 1 लाख माला गुरुदेव पूरी करते, 1 लाख माला किए बगैर गुरुदेव भोजन ही नहीं करते थे। पहले 1 लाख माला को गुरुदेव जप करते थे, 1 लाख माला जप करते थे गुरुदेव, इसलिए उसको बाद में गुरुदेव भोजन करते थे हैं। इसलिए गुरुदेव का कितना निष्ठा थी, हरिनाम में कितना निष्ठा। जैसे हम देखते थे जब जैसे जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी में कृष्ण तो बार बार जब कृष्ण प्रकट होते हैं, अरे सोते सोते 1 बज जाते थे, लेकिन गुरुदेव जितने बजे क्यों नहीं सोए, लेकिन ठीक 2:30-3 बजे उठ करके गुरुदेव किसको पास में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई सोया हुआ होगा तो अपना हाथ धो लिया, धो करके खाट ऊपर बैठ गए, बास माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 1 लाख माला करके गुरुदेव क्या करते थे, तभी गुरुदेव प्रसाद पाते थे 1 लाख। इसलिए कहते जो जो मंत्र हमें प्राप्त हुआ है, ये मंत्रों को हमें
दृढ़ विश्वास और पूर्वक ये नाम हमें जप करना पड़ेगा। इसलिए कोई कोई कहते हैं, अब कुछ देखना क्या होता है, कुछ दिन भजन करने के बाद कुछ लोग तो भजन ही छोड़ देते हैं, माला फूल इतना दिन जब किया कुछ हुआ ही नहीं, जीवन में कुछ मिला ही नहीं, इतना दिन तो भजन किया कुछ हुआ ही। अभी प्रश्न है दोष किस में, दोष माला में ना दोष हम में, बताओ दोष किस में है। अभी दोष किस में, दोष क्या हरिनाम में, दोष हरिनाम में क्या कमी, ना हमारे अंदर में कमी, किसका अंदर में कमी है, कि माला के अंदर भगवान के अंदर में कमी है, क्या अपना अंदर में कमी है, कमी हमारी अंदर में, कोई भी भजन भजन छोड़ देते कारण है कि जैसे हरिनाम करनी चाहिए ना हम वैसे हरिनाम नहीं करते। इसलिए नियम है हरिनाम करते समय ठीक से मन लगा करके है, मन लगा करके ठीक से हृदय से पुकार पुकार करके हरिनाम करनी चाहिए। अगर हृदय से हरिनाम करेंगे ना आप स्वयं ये चीज का अनुभूति करोगे, क्या अनुभूति करोगे, नहीं भगवान का नाम में कुछ है, उस शक्ति है वो, तभी अनुभूति होगी। अगर आप बेमन से हरिनाम करेंगे है, मन लग ही नहीं रहा है, मन में उचाट सा है, हरिनाम ठीक से कर नहीं रहे, भैया कहते ना कुटी काल करे यदि श्रवण कीर्तन तब तब ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, बोले कुटी काल जब करने पर भी प्रेम धन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अगर हृदय से सचमुच से अगर भजन करेंगे, जितने हमारे गुरुवर्ग हुए हैं सबके सब तो हरिनाम ही तो किए, रूपा तो हरिनाम किए, हमारे गुरुदेव तो हरिनाम किए, उनको गुरुदेव तो हरिनाम किए, तो उनको तो मिला, लेकिन हमें क्यों नहीं मिल रहा है, तो कमी किसी में, कमी हमारे अंदर में ना, कमी हरिनाम में कमी है। इसलिए नियम है हरिनाम को एक जगह पर बैठ करके हृदय से पुकार पुकार करके। एक समय हमारे भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज के पास में कोई एक सेठ आए, कलकत्ता में जब रहते थे वहाँ पर कोई एक मालू आ गया है, गुरुदेव का शिष्य है महाराज, बोले गुरुदेव भजन कैसे होगा, गुरुदेव भजना भजन कैसे होगा, तब बामन गोस्वामी महाराज बोले बोले रोना सीखो, बोले रोना सीखो। अभी इसको सुन करके बोले भैया संसार तो हम रो रहे, अब गुरुदेव कह रहे रोना सीखो, और कितना रोएगी, संसार के सभी सब रो रहे, जगत में कौन नहीं जो संसार में रो नहीं रहे, तब उनको समझ भी नहीं आया, गुरुदेव बोले रोना सीखो, वो तो सोचते सोचते रह गए, बोले रोना सीखो गुरुदेव कह रहे रोना सीखो, उनको तो समझ भी नहीं आया। फिर दूसरे दिन आए, दूसरे दिन आकर के फिर पूछे, बोले गुरुदेव आपने बताया रोना सीखो, हम तो संसार में रो ही रहे, आप फिर अब कितना रोएंगे, रोना क्या सीखेंगे। तब हमारे भक्ति विदास मतलब बामन गोस्वामी महाराज बोले देखो जब तक बच्चा नहीं रोता है ना तब तक मैया उसको दूध नहीं पिलाती, जब बच्चा रोता है माँ को पता चलता है बच्चा भी भूखा है तभी जाकर उनको दूध पिलाती है। क्या उसी तरह जब तक हम भगवान के नाम को ले लेकर के नहीं रोएंगे तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान की कृपा नहीं होगा। इसलिए रोना सीखनी चाहिए, जो जितना रोना सीख गया ना भगवान का नाम लेकर, इसलिए महाप्रभु कहते ना नयनम गलदस्त धारया बदनम गदगद रुधया गिरा पुलक निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति, कब ऐसे दिन आएगा जब तुम्हारा नाम को लेकर के हृदय गदगद हो जाए, आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लग जाए, प्रभु कब ऐसा आएगा। इसलिए हम लोग जो मंदिर में आए ना भजन के लिए, रोने रोने के लिए आए, हंसने के लिए कोई नहीं आए। देखो जिंदगी भर गोपियाँ रोई है ना, जिंदगी भर अयोध्या वासी रोए, जिंदगी भर महाप्रभु का भक्त भी रोए, सन्यासी कर गए, सब रोने के लिए सबके सब आए, हंसने के लिए नहीं रोने के लिए आए, लेकिन ये जो रोना ये अलग तरह का रोना है। एक समय गुरुदेव जब ये ब्रजमंडल परिक्रमा हो रही थी, एक समय गुरुदेव गए कहाँ पर ध्रुव टीला में, जब ध्रुव टीला में गए वहाँ पर एक कोई साधु था, तब हमारे महाराज के पास में आया, बोले महाराज जी एक प्रश्न करो, तब महाराज बोले बोलो, बोले इसी ध्रुव टीला में ध्रुव जी 6 महीना में मैंने भगवत प्राप्त कर लिया, इसी लोभ से मैंने ये ध्रुव टीला में मैंने इसी लोभ से आया भजन करने के लिए, जब ध्रुव जी को 6 महीना में भगवत प्राप्ति हुई है हमें क्यों नहीं होगा। लेकिन महाराज जी
हम तो इतना दिन हो गया यहाँ भजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 6 महीना मेरी ठाकुर जी दर्शन दे दिए थे, अभी तक तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, अभी तक तो हमारी कुछ ही नहीं हुआ। जब हमारे महाराज जी को प्रश्न में महाराज के साथ में था तो महाराज क्या उत्तर दिया, बोले देखो जब तक भगवान की विरह में तुम्हारी प्राण ये होठ तक नहीं आता है, ध्रुव जी को कैसे दर्शन दिया है? वो तीन जो भजन करने के लिए बैठते 3 दिन के बाद में एक बार पैर फलकाते थे, मतलब 3 दिन तक एक जगह में बैठ करके कंटिन्यू ओम नमः भगवते वासुदेवाय नाम को कंटिन्यू जब कर 3 दिन तक बैठ करके, 3 दिन में एक बार उठ करके एक बैर फल को उधर खा लेते थे हैं? दूसरे महीना में उन्होंने बैर फल को भी छोड़ दिए, फिर दूसरे महीना में थोड़े पत्ते खा खा कर 6 दिन के बाद में एक बार पत्ते खा लिए, तीसरे महीना में 9 दिन के बाद में पानी पी करके, मतलब जब भजन करने के हमारी भजन कैसे है, बैठ जाओ बैठ करके 5 मिनट बैठ जाते हैं ना खुजली मचने लग जाती है, ये माला कब खत्म हो गया, ये माला खत्म नहीं हो रहा है, ये माला कब खत्म होगी हैं? माला को बार बार निकालते हैं, प्रसाद ठंडा होते जा रहा है, जब ये माला खत्म नहीं हो रही है, ये माला खत्म नहीं हो रही, तब ऐसे भगवान खड़ी मिलेगी। माधुर जी दादा ने जो वर्णना किया है, हैं एक देशी बहुदेशी की प्राय की आकृति, उसको जो अनर्थ की बात बताई, कब होगा? जब हमारी भजन ऐसे कंटिन्यू, जब भजन है भजन जब हमारी कंटिन्यू तैल धारा, गुरुदेव उदाहरण देते थे जैसे सहेद को ऐसे डालो ना, देखना सहेद में एक धागा बन जाती है, सहेद है कहते भक्ति जब ऐसे सहेद जैसे धारा जैसे बन जाए, कंटिन्यू निरंतर जन्मई जब भजन होगी, फिर तो तभी जो प्रेमावस्था जो बताया है, कब प्रेमावस्था है, भावावस्था किसी अवस्था में, भावावस्था उसका जो लक्षण बताया ना, ख्यांति अभ्यर्थ कालतम विरक्ति मान सुन्नता आशा बंध सबुत्कंठा नाम गान सदा ऋषि आसक्ति तद गुणा ध्याने प्रीति तद, जो उनका बताया ना भाव का क्या लक्षण बताया ना, जब तक ये अवस्था नहीं होगा तो भगवत दर्शन कैसे होगा, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जो मंत्र को जप है दृढ़ विश्वास पूर्वक क्या करनी चाहिए, जो भगवान का जो मंत्र है, जो भगवान का जो नाम को, इसको दृढ़ विश्वास करके जप करनी चाहिए। जब सारे गुरु वर्गों ने इसी नाम से भगवत प्राप्ति किए, तब हमें क्यों भगवत प्राप्ति नहीं होगी, हमें क्यों भगवान नहीं मिलेंगे, जरूर एक दिन इसी मंत्र से हमें मिलेंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्थान पर बैठ करके रो रो करके हृदय से रो रो करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये मंत्र हमें दृढ़ विश्वास पूर्वक ये मंत्र में जप करना पड़ेगा। इसलिए कहते जो पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, कहते जो पंचम भक्ति है समस्त वेद में प्रकाशित हुआ है, ये पंचमा भक्ति है। कहते छठमा भक्ति क्या है, बोले छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा, कहते जो छठमा भक्ति है छठ दम, कहते छठ दम जो छठमा भक्ति है, कहते अपना इंद्रिय को, कहते सम और दम, जो बाहर इंद्रिय और जो अंतर इंद्रिय को हमें दमन करनी चाहिए, है इंद्रिय को हमें दमन करके क्या करने चाहिए, इसको भगवान की भजन में हमें लगा देनी चाहिए कि समस्त इंद्रियों को। लेकिन बड़ा कठिन है ये मन, देखो कितना चंचल है, ये मन कितने चंचल है, कहते भी प्रश्न है इनको सारे इंद्रियों को दमन करके क्या करो, भगवान की भजन में लगा दो, भजन में लगा दो, लेकिन इतने आसानी नहीं ये इंद्रियों को दमन करना, बड़ा आसानी नहीं। फिर कहते ये इंद्रियों को फिर दमन कैसे कर सकते हैं, कहते ये इंद्रियों को दमन करने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे आपको प्यार में कहीं कांटा कर गए, अगर वो कांटा को निकालना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर दूसरा कोई कांटा ला, दूसरे कांटा से
वो कांटा को निकाल दो, फिर दोनों कांटा को फेंक देते। कहते उसी तरह हमारे हृदय में भी एक कांटा, माया की कांटा चुभ गई है। अब ये कांटा को निकलने का कैसे? बोले और एक कांटा लाओ। बोले और एक कांटा लाओ मतलब क्या? बोले ये कांटा लाओ, भक्ति की कांटा है। काम कैसे छोड़े, क्रोध कैसे छोड़े, लोभ कैसे छोड़े, मोह कैसे छोड़े, उसको कोशिश नहीं करनी चाहिए इसको छोड़ने के लिए। ये कोशिश करनी चाहिए भगवान से जोड़ने के लिए। अगर भगवान में जोड़ देंगे ना, वो अपने आप ये चीज अपने आप छूट जाएगी। अगर भगवान से अगर नहीं जोड़ेंगे तो जितने कोशिश कर लो इंद्रिय दमन नहीं कर सकते। जैसे देखो इसका प्रमाण देखो, जैसे मंदिर में 4 बजे उठते ना, सवेरे 4 बजे उठ करके ठाकुर जी का आरती होगा, नहा धोकर के तिलक लगा करके फिर आरती में आ जाते हैं। आरती के बाद में फिर मंत्र जप करते हैं, मंदिर परिक्रमा करते हैं, उसको बाद में कीर्तन करते हैं, उसके बाद में कथा सुनते और खत्म होते होते किताब कितना हो जाता है? 9 बज जाता है। आप बताओ 9 बजे तक हमारी मन में इधर उधर कोई चीज रहती है? 9 बजे तक देखना पूरा के पूरा जो प्रोग्राम पैकेज है पूरा के पूरा। क्यों? जब मन को भगवान की भजन में लग गया ना, जब भगवान की मन को भजन में लग गया, अपनी आप ये विषय अपने आप दूर हो गया। अगर इसको भगवान की सेवा में नहीं लगा करके, उनकी भजन में नहीं लगा करके, अगर कोई ये मन को कोशिश करे, ये मन को हम निग्रह करेंगे, काम छोड़े कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बोले भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र, जो विरक्ति तीसरा स्टेज में बताया, पहले बताया भक्ति, पहले भक्ति करो। भक्ति करने पर क्या होगा? बोले परेशान भव, भक्ति करेंगे तो फिर हमें भगवत अनुभूति होगा। जब भगवत अनुभूति होगा ना, तीसरा स्टेज में कहते हैं विरक्ति अन्यत्र। पहले नहीं बताया ये काम करो तो सब छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते हम, छोड़ ही नहीं सकते सब चीजों को, जैसा अनादि काल से बैठा हुआ। इसलिए छोड़ने से बजाय कोशिश करो जोड़ने के लिए, इसको जोड़ने के लिए। इसलिए महाप्रभु क्या बोले, जब तो कोई 1 लाख हरिनाम नहीं ग्रहण करेगा, महाप्रभु बोले ना उसका हाथी भोजन, हाथी भोजन नहीं करना। महाप्रभु जब निमंत्रण दिए, प्रभु हमारे घर में आपको प्रसाद है, महाप्रभु क्या बोले, बोले जो लखपति होगा उसको घर में हम भोजन करेंगे, नहीं तो भोजन नहीं करेंगे। भक्त लोग बोले हमारे घर में 100 रुपया कभी भी नहीं, आप तो लाख की बात कर रहे हो, लाख की बात कर रहे हो। फिर महाप्रभु क्या समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले जो एक रोजाना 1 लाख हरिनाम ग्रहण करे वो असली लखपति है, वो असली लखपति है। आप अगर 1 लाख हरिनाम करो कितना समय लगेगा? वो 6-7 घंटा 8 घंटा तक लग जाएगा। अरे एक व्यक्ति 6-7 घंटा अगर भगवान के नाम जप करे है, नाम जप उसको पता समय कहाँ उसको, फिर इधर उधर चिंता करने का वो समय का समय है नहीं उसको, इधर उधर बैठ कर गप्पे मारे, इसको बार उसको बार में, बल्कि कोई समय नहीं रहेगा। फिर मंदिर का सेवा है, आरती है, कथा है, फिर उसको समय कहाँ इधर उधर चीज में समय को बिताए। इसलिए यहाँ पर कहते जो छठा भक्ति है ये इंद्रियों को दमन करना, छठा भक्ति और सील और जो स्वभाव को मीठा स्वभाव बनाने के लिए, स्वभाव को हर समय मीठा स्वभाव को बनाओ। स्वभाव सरल स्वभाव होनी चाहिए हैं, सुंदर स्वभाव होनी चाहिए। इसलिए जिसको सुंदर स्वभाव है सबके सब उसको अपने आप उसको प्यारा सबके सब हो जाता है, सबके सब का प्यारा हो जाता है। इसलिए छठवां भक्ति में कहते इंद्रियों को दमन करते हुए अपना सील स्वभाव को करनी चाहिए और विरति बहु कामा कर्मा। कहते बहुत सारे कर्म से विरति हो जाओ। कोई बोलता है ना हम ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये भैया ज्यादा इधर उधर चीज में मत फंसा दे हैं। न धर्मम ना धर्मम श्रुति गण निरतम नील गुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या प्रियतम। इसलिए ज्यादा लफड़ा में नहीं फंस करके हैं, ये करना वो करना वो करना सारा दुनिया की करना करना करते बहु कर्म में मत फंसा कर, ज्यादा कर्म में नहीं फंस करके क्या करो, बस सरल स्वभाव करके भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो। अगर भगवान की भक्ति अगर भजन करेंगे तो कहते ना जस्यास्ते भगवत भक्ति अकिंचनात् सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरा, खराब अभक्तस्य कुतः महत्गुणास्ते।
जिसको अंदर में ये भगवती भक्ति रूपी गुण आ जाएगी, कहते दूसरा दूसरा जो गुण है ना उनको संग्रह करने का जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। जिसको अंदर में रूप गोस्वामी कहते जैसे जब महारानी चलती हैं उनको सार में दूसरे चेता चपट सबके सब पीछे पीछे चलते हैं, जब राजा चलते हैं सारे मंत्री पीछे 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 चलती हैं। ये भक्ति, ये महारानी है भक्ति। जब हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगी और जितने सारे सद्गुण हैं वो सारे सद्गुण तुम्हारे अंदर में अपने आप ये सारे सद्गुण आ जाएंगे। जैसे हनुमान जी को देखो, बात दिन भर क्या करते हैं, राम की सेवाई करते हैं और रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, दिन भर तो भजन ही कर रहे हैं ना। हरिदास ठाकुर जी दिन भर क्या करते थे, तीन तीन लाख हरिनाम करते थे, तीन तीन लाख दिन भर हरिनाम करते हैं। जब हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटाई हुई, जब उनको 22 बाजार में पिटाई किसी तरह से मरा ही नहीं, जब मुसलमान ने कहा भैया अगर आप नहीं मरोगे ना लगता है जो राजा ये हम मर ये हमें मार डालेंगे, ये हमें मार डालेंगे अगर आप नहीं मरोगे तो। कभी ऐसे संभव है जिसको 5-6 व्यक्ति मार मिल करके मारे वो मरेगा नहीं, कभी ऐसे हो सकता है? लगता है राजा तो विश्वास ही नहीं करेगा, बोले मैं नहीं मरूंगा तो तुमको कष्ट होगा। हाँ बोले हाँ, लगता है राजा तो हमें ही मार डालेंगे। बोले ठीक है मैं मर जाता हूँ। उन्होंने क्या किए, बस बैठ करके ध्यान धारणा समाधि में बैठ गए, एकदम समाधि में बैठ गए। तो बैठते समाधि में बाहर जैसे अचेत हो गए, बाहर उसको उठा करके राजा के सामने लेकर फेंक दिया, बोले इसको मार दिया है। बोले बढ़िया किया है, ये मुसलमान होकर के हिंदुवाणी हिंदुवाणी हाँ हिंदुओं का नाम ग्रहण किया, कोई काम करो उसको कब्र का मत दिया करो, देखो ये स्वर्ग चले जाएगा। इसको क्या करो, उसको गंगा में फेंक दो, इसको गंगा में फेंक दो, गंगा में। लेकिन जब वो तो समाज में बैठे हुए थे, लेकिन जब गंगा में फेंक दिया फिर बहते 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 फुलिया में लगे और फुलिया में लग करके फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा तरफ हरिनाम करते बता, ये तो मर गया था कैसे के जिंदा कैसे हो गया? बोले भैया लगना ये जिंदा पीर है, कोई जीवन तो कोई महापुरुष। क्या हरिदास ठाकुर ने ये ध्यान धारणा समाधि को कहीं सिखाया क्या? ये सब चीज को उन्होंने कहीं सिखाया क्या? कहते भक्तों को कोई भी इधर उधर गुण को भक्तों को इधर उधर गुण भक्तों कर लो, इसलिए भक्तों को इधर उधर कहीं भी गुण की संग्रह करने का जरूरत नहीं, केवल एक ही गुण संग्रह करो, किसी भी भगवान के चरण में हमारी भक्ति हो जाए, गुरु वैष्णव के चरण में हमारी भक्ति हो जाए, ठाकुर जी के चरण में हमारी प्रेम हो जाए। अगर ये प्रेम रूपी धन अगर इसको जीवन में मिल गया तो कहते और जितने सारे गुण हैं कहते अपने आप तुम्हारे पास में सारे गुण अपने आप आ जाए। जैसे ध्रुव जी जब भगवान तपस्या करने के लिए गए, कोई पढ़ाई लिखा था उनके पास कितना तक पढ़े थे? कुछ भी नहीं पढ़े थे, लेकिन जब उन्होंने भगवत दर्शन की भगवान को जो स्तुति कर ठाकुर जी ने देखा स्तुति करना चाह रहे हैं, लेकिन वो तो पढ़े लिखे है ही नहीं, भगवान ने क्या किया अपना शंख को उसकी कपल में स्पर्श करा दी, सारे दिव्य ज्ञान हृदय में स्फूर्ति हो गई, सारे दिव्य ज्ञान ढेर सब भगवान की धरा धर भगवान की स्तुति करने लगे। बताओ जो गजन है ये गजराज ने कौन सा विद्या पढ़ी थी, ये कौन सा विद्या पढ़ी थी गजराज ने? लेकिन जब उन्होंने भगवत दर्शन हुई, हाथी ने जो वंदना कर रहा था भगवान की स्तुति कर रहा था, जिसको देख करके बड़े बड़े देवता लोग भी, जिनकी स्तुति सुन करके बड़े बड़े देवता लोग भी आश्चर्य हो रहे थे, एक हाथी को अंदर में कितने दिव्य ज्ञान आए कहां से। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं, आप बताओ चैतन्य भागवत में ना श्रीधर की कथा सुने ना, श्रीधर कथा सुने ना, जब महाकेला बचा श्रीधर, इसलिए बोले पला बचा श्रीधर है, सिधर पाइल जहा कोटि स्वरे कोटि कल्पे ना पाए बेटा। कभी केला बेच करके केले का थोड़ बेच करके फूल बेच करके कभी श्रीधर को जिस चीज की प्राप्ति होगी, बोले कोटि स्वरे कोटि कल्पे ना पाए बेटा, कर कोटि ईश्वर कोटि कल्प में वो चीज प्राप्त नहीं कर सकते हैं,
इन्होंने केला की फूल केला बेच करके जो चीज को उन्होंने प्राप्त किया। जब महाप्रभु बोले स्तुति करो, बोले प्रभु हम तो अनपढ़ हैं, अब क्या क्या स्तुति करें, बोले तू जो बोलोगे वही स्तुति है, तू जो बोलोगे वही स्तुति है तुम्हारी, है बात जो इच्छा बोलो। सचमुच से उसका जीवा में सुधा सरस्वती बैठ जाती है, उसको जीवा में सुधा सरस्वती बैठ जाती है। बैठ जाने पर वो जो क्योंकि उनका इंद्रिय एकदम निर्मल इंद्रिय है, इसलिए मुंह से जो कुछ वाणी निकलती है वो भगवान की स्तुति है, भगवान की स्तुति उसको मुंह से निकलती है, जिसका इंद्रिय भगवत सेवा में लग जाए। हम कुछ दिन कैलाशपुरम का बात बोल रहे थे, कैलाशपुरम है जो मंदिर देखो गंवार है, गांव के एकदम अनपढ़ है, लेकिन वो जो बात को बोलते थे ना, हम भी आश्चर्य में पड़ जाते थे उनको जो बात को सुन करके, मतलब इनकी सेवा में कितना निष्ठा। और देखो अपने आप कहते थे प्रसाद बताओ, बोले स्वामी का कुछ सेवा ही नहीं, सबर से स्वामी का मैंने कुछ सेवा नहीं किया, उनके सेवा किए बगैर मैं भोजन कैसे करूँ। इसलिए अभी मैंने कहा कैलाश पर प्रसाद खा लो, प्रसाद खाला में बोले थोड़ी सी मैं सेवा कर लेता हूँ। चावल को बीनते थे, उसमें जो धान होता था धान को निकालते थे हैं, और सब्जी अपने यहाँ करते थे, वो बोलते थे अभी स्वामी का अभी तक मैंने कुछ सेवा नहीं की, अभी मैं प्रसाद कैसे पा लूँ। देखो ये बुद्धि किसकी मन में आएगा बताओ, बड़े बड़े विद्वान के मन में भी ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, ये चीज नहीं आती है हैं। इसलिए जैसे देखो ऊपर अनपढ़ थे, जैसे यहाँ कीर्तन होता था ना, कीर्तन होता था शाम को, जब कीर्तन होता था वो सोते रहते थे, वो गंभीर में वहीं से सोते रहते, वहाँ पर भगवान तो प्रभु थे, मैं था पतिल तो अपने सब थे, सब सब और परमेश्वर को थे, पता नहीं हमको घड़ी से देख करके जैसे 4 बज जाए वो कीर्तन, जैसे शाम का समय में घंटा का समय में वो वहीं से घर से आवाज लगाएंगे मेरे को, बोले पूरी प्रभु, मैं जगन्नाथ पूरी कहा ना, इसलिए बोले पूरी प्रभु समय हो गया, अभी तक कीर्तन सुर नहीं हुआ, कीर्तन वही से बैठ बैठ कर बोलते रहेंगे हैं, पूरी प्रभु बोल के वही से बोलते रहेंगे, बोले समय हो गया कीर्तन का हैं, ये कीर्तन होने अब तक सुर नहीं हुआ, कब कीर्तन होगा, कब पाठ होगा हैं, जाओ कीर्तन सुर कर दो। देखो कैसे होता है हृदय में, हाँ मैं भी बहुत सोचता था, देखो कैसे अनपढ़ व्यक्ति है लेकिन हृदय में इतने ज्ञान है, कीर्तन का समय हो गया मंदिर में कीर्तन होनी चाहिए, कथा होनी चाहिए, लेकिन वहीं से बोलते थे। इसलिए हृदय में जब भक्ति प्रकट हो जाती है कहते अपने आप सारे ज्ञान उसको, सारे ज्ञान अपने आप उसके हृदय में अपने आप स्फूर्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ कहते थे नित्य निरत ना कहते छठ में निरंतर निरतर निरंतर सजन धर्मा पंचम, इसलिए छठ दमशील विरति बहु कामा, इसलिए बहुत सारी काम में मन को ज्यादा नहीं लगा करके क्या करो, बस एक चीज को भगवत भक्ति के लिए जत्नवान होनी चाहिए। इसलिए निरतर निरंतर सजन धर्मा, और क्या करो जो सज्जन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति मतलब जो हमारी भक्ति मार्ग में पहले पहले जो गुरुवर्ग हो गए हैं है? क्या करो वो सज्जन व्यक्तियों को जो धर्म है मतलब उन्होंने जिस मार्ग पर गए हैं उसी मार्ग को हमें अपनाना चाहिए, कुछ नया मार्ग हमें मन में नहीं प्रकट करनी चाहिए, कुछ नया धर्म को पिछला हमारे बाबू गोस्वामी महाराज कहते थे तो नूतन किचु कर भाई नूतन किचु कर और प्यार का ज्योति सरभर है, कोई कहते ना कुछ नया चीज कर, कुछ नया चीज क्या करें, प्यार की ज्योति कर सर पर धारण करो। इसलिए हमें कोई नया चीज हमें नहीं करनी चाहिए, पहले पहले हमारे गुरुवर्ग ने जो मार्गों को अपनाते हुए गए हैं, जो मार्गों को अपनाया हमें उसी मार्ग पर हमें चलनी चाहिए, कोई नया मार्ग कोई हमें नहीं प्रकट करनी चाहिए। कहते कौन सा भक्ति है, बोले ये छठवां भक्ति है, और जो सातवां भक्ति बते सातव मम मोहि मय जग देखा सोते संत अधिक करी मोते संत अधिक करी लेखा, बोले जो सातवां भक्ति है कहते सम मोहि मय जग देखा, कहते सातवां भक्ति को बताए हैं कहते ना जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, कहते संपूर्ण ये जगत को मेरे स्वरूप
माननी चाहिए। इसलिए कहते ना जीवर सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, कहते हर जीवों को सम्मान देने चाहिए। बोले क्यों देने चाहिए, क्योंकि सभी का हृदय में भगवान की भगवान सभी का हृदय में भगवान बैठे हुए, इसलिए सर्व जगत को समस्त जगत को भगवत स्वरूप ही जाननी चाहिए। और समस्त वस्तु किसके लिए, कहते ना ईसा वास्तव निगम सर्वम जत किंचा जगत का जगत तेना तेक्तन भंजिता मादृध कस्य सिद्धः। इसलिए कि जगत को भगवतमय जान करके जगत में जो कुछ वस्तु है किसके लिए, समस्त जगत का सारी वस्तु है केवल भगवत सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए ही ये सारे वस्तु है। इसलिए कोई भी चीज को देखो, वो चीज को देखो, जैसे मार्केट में गए देखा बहुत बढ़िया, कोई कोई स्त्री साड़ी पहन करके जा रहे हैं दुकान में, कोई साड़ी देखो क्या सोचने चाहिए, अगर राधा रानी के लिए अगर ये साड़ी होता तो कितना बढ़िया लगता, ठाकुर जी का अगर ये कपड़ा होता तो कितना सुंदर दिखता, कोई बढ़िया फल देखे अगर ये फल अगर ठाकुर जी की सेवा के लिए अगर होता तो ये फल कितना बढ़िया लगता, कई सुंदर घर देखे अगर ठाकुर जी का मंदिर अगर ऐसे बनता तो कितना बढ़िया लगता। इसलिए हर चीज को देखिए भगवतमय देखनी चाहिए, ये जगत भगवतमय है और सारे वस्तु कृष्ण सेवा की ही रूप में करिए, सारे चीज को दर्शन करनी चाहिए। और कहते मोते संत अधिक करी लेखा, कहते जो संतों को क्या देखनी चाहिए, कहते मोते बोले मेरे से जो संतों का जो स्थान है, कहते उसको मेरे से संतों का स्थान को अधिक स्थान देनी चाहिए, क्योंकि वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्वास और गोविंद कहिन मम वैष्णव परा। इसलिए भगवान कहते हैं जे में भक्ता जना पार्थ स्ते में भक्ता न जना मत भक्ता नान से जे भक्ता स्ते समय युक्त तमाम होता। कृष्ण कहते जो कहते हैं मैं कृष्ण भक्त हूँ मैं वो मेरे भक्त नहीं, लेकिन जो कहते हैं मैं कृष्ण भक्तों का भक्त हूँ वो मेरे भक्त है। इसलिए जितने हमारे कहते ना तीन तरह के भक्त है, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या है बोलो, कहते अच्छा मेव हरे जब पूजा श्रद्धा जाते न तद भक्ति अन्य सुसभक्त प्राकृत। लेकिन वो तो अच्छा विग्रह को तो बहुत श्रेष्ठ करके मानते हैं, लेकिन भगवत भक्तों को उतना आदर नहीं देते। लेकिन मध्यम भक्त कौन है, ईश्वर तद अधिनेसु बाली से सुनिश्चित प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा जो करती सब मध्यम। जो मध्यम भक्त की बात आई बोले जो भगवान से भी ज्यादा महत्व किसको देते हैं, भक्तों को देते हैं ज्यादा महत्व, वो भक्तों को देते हैं है? वो श्लोक है ना शिला मूर्ति सु सौ सा गोखर, क्या श्लोक बोलो, इसलिए उसमें शिला को तो भगवान मान देते हैं, पानी को तो मानते तीर्थ है, लेकिन भक्तों को कोई स्थान नहीं देते। वो क्या है, कहते वो पोखर है, कहते वो जानवर में वो गधा है, जानवर में वो गधा है। इसलिए कहते भगवान को हम जितने महत्व दे उससे ज्यादा महत्व देनी चाहिए, किसको, कहते भक्तों को उससे ज्यादा महत्व भक्तों को देनी चाहिए। इसलिए जब अगस्त ऋषि आए, इंद्रद्युम्न महाराज भजन कर रहे थे, जब अगस्त ऋषि आए इंद्रद्युम्न महाराज आए आए इसमें क्या हो गया, अभी तो मैं तो सालग्राम को पूजा कर रहा हूँ, वो थोड़ी भगवान से थोड़ी बड़े हैं, भगवान का पूजा जब समाप्त हो जाएगा फिर उनका आदर कर दो। इतने में अगस्त ऋषि ने क्या किया, बोले लगता है तू तो भजन कर रहे हो लेकिन किसी शुद्ध साधु की अनुगत्य में लगता है तुमने ये भजन नहीं सीखे हैं, किसी शुद्ध वैष्णव की तुमने अनुगत्य नहीं किए, भजन तो कर रहे हो पूजा तो कर रहे हो, इसलिए उन्होंने क्या किया अभिशाप दे दिया, बोले जा हाथी जैसे हैं एकदम किसको डॉट क्या करते हैं एकदम बतवारा रूप में हाथी जैसे चलता है किसको ग्राह्य नहीं करता है, तेरे स्वभाव हाथी जैसे स्वभाव, अभिशाप दे दिया। लेकिन अभिशाप दिया तो हाथी जन्म में गए लेकिन वो तो पूजा कर रहे थे सालग्राम, वो भगवान की तो पूजा कर रहे थे, तो भगवान फिर क्यों रक्षा नहीं किया,
भगवान को रक्षा करना चाहिए था ना, वो तो पूजा करते थे सालक राज को। भगवान कहते हैं अगर मेरे भक्तों को अगर कोई अनादर करके अगर मेरे सेवा भी करता है वो मेरा भक्त नहीं, वो मेरे भक्त नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त है मेरे से भी मेरे भक्तों को जो ज्यादा महत्व देते हैं। मैं जब जगन्नाथपुरी में था, मैं नया नया आया था, इतना मेरे को इतना भक्ति की इतना कोई पता नहीं था, जितना कोई ज्ञान नहीं था। एक समय मैं कलकत्ता से रथ यात्रा के समय कलकत्ता से रजनीगंधा फूल बड़ी सुंदर फूल और गुलाब फूल बड़ी सुंदर फूल कलकत्ता से लाए थे जगन्नाथपुरी में, और हम लोगों ने बैठ करके राधा कृष्ण महाप्रभु के लिए इतने मोटे पर हमने सुंदर माला बनाए थे ठाकुर जी के लिए। जब ठाकुर जी के लिए रथ यात्रा का समय पर सारे गौड़िया मठ के सब सन्यासी लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, ठीक उसी समय में क्या हुआ, गौड़िया मठ से कुछ पार्टी आई, उसमें कुछ सन्यासी लोग थे। जब हमारी गुरु जी की मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, वो जो ठाकुर जी के लिए जो इतनी कीमती जो माला थी ना, बड़े कष्ट से और आया था कहाँ से, कलकत्ता से आया था, वो फूल लाया था। लेकिन जो राधा कृष्ण महाप्रभु के लिए माला था, जब वो सन्यासी लोग आए, मैंने देखा मेरे जो गुरुदेव थे ना, वो माला जो ठाकुर जी के लिए बना होता एकदम बढ़िया माला, उन्होंने लेकर के उन्होंने सन्यास बना दिया। मैंने कहा इतना दूर से कलकत्ता से फूल आई और एक एक फूल पर एक एक घंटा तक बनाए ठाकुर जी के लिए, और ये सन्यासी लोग आए जो गुरुदेव सारे सन्यास को देते माला। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा, मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा गुरुदेव इसने। लेकिन उस समय तो मेरे कुछ पता नहीं चला गुरुदेव ये सन्यासी को क्यों दे दिया माला। लेकिन जब धीरे धीरे जब ये बात हमें पता चला वैष्णव का क्या महत्व है, ठाकुर जी का क्या महत्व है, मेरे मेरे को पता चला नहीं गुरुदेव ने जो क्या सही किया है। क्योंकि जो भगवान खुद कहते हैं मोते संत अधिक करी लेखा है, कहते मेरे से जो संत है मेरे से भी ज्यादा महत्व संतों को देनी चाहिए। क्योंकि अगर संत अगर प्रसन्न हो गए, भक्त अगर प्रसन्न हो गए, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व इसकी महत्व है कि ये संतों की महत्व, भक्तों की महत्व। अगर भगवान अगर भक्त प्रसन्न हो जाए, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दुर्गा जी कहाँ से कहाँ तक ले गए, सुदर्शन चक्र उनको कहाँ से कहाँ तक ले गए, ब्रह्मा जी को पास में गए शरण में, ब्रह्मा भी नहीं रक्षा किया, शंकर जी को पास में गए शंकर भी नहीं रक्षा की, और लास्ट में कहाँ तक गए, भगवान तक चले गए, वैकुंठ तक उनको खदरा तक ले गए। जब भगवान के चरण में गए, भगवान क्या कहते हैं, प्यार से कांटा चुभने पर सर पर नहीं निकलेगा, वो जिधर कांटा चुभिए ना उधर ही निकलेगा। तुमने अपराध किसके चरण में किया है, कहते क्या श्री अकबरीश के चरण में, और मेरे चरण में माफी मांगने के लिए आए। इसलिए साधव बोलो साधव हृदय सुहम साधव, बोलो श्लोक क्या है, साधना हृदय सुहम मन अंत ना जानती ना बना देती। इसलिए साधु मेरा हृदय और मैं साधुओं का हृदय में रहता हूँ। अगर मेरे को प्रसन्न करना है तो कहाँ जाओ, अंबरीश के पास में, वहां पर कहते हैं कहते क्यों हम भक्तों के चरण में इतने दिन क्यों, कारण क्या है, बोले कारण है जिन साधुओं ने निज अपना स्त्री पुत्र परिवार दुनिया दारी को ठोकर मार करके और एकांत रूप में ये लोग मेरे शरण में आए, सबको ठोकर दे करके मेरे शरण में आए। इसलिए कृष्ण गोपियों को कहते हैं ना, गोपियां न पारे अहम निरपद सजुजा स्वसाधु क्रीत विबुधाई वसाधि को, कहते ब्रह्मा जैसे परमाणु लेकर भी तुम्हारी ऋणी से मैं कभी पूरी नहीं बन सकता, क्यों तुम लोग ने मेरे लिए तुम लोगों ने भाई बंधु पुत्र परिवार को अपनी सब ठोकर मार करके एक निष्ठ होकर के तुम लोग मेरे को तुम लोगों ने प्रेरित किया है। इसलिए ब्रह्मा जैसे परमाणु लेकर भी कभी तुम्हारी ऋणी से मैं कभी उड़ी बन ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते मेरे भक्तों को जो आदर करता है, मेरे भक्तों को जो आदर करता है, कहते मैं अपने आप प्रसन्न उसको प्रति अपने आप प्रसन्न हो जाता हूँ। जैसे देखो, जैसे जब श्री बलदेव प्रभु नैमिषारण्य में गए, वहाँ पर जो लोमहर्षण जो सुते हैं क्या करते थे, पुराण पाठ करते थे,
पुराण पाठ कर रहे थे, पुराण पाठ कर रहे थे, लेकिन वहां पर सब ऋषि मुनियों को पुराण सुना रहे थे। लेकिन जब बलदेव प्रभु वहां पर आए तो उन्होंने उठ कर उनको सम्मान नहीं किया। सम्मान नहीं दिया तो उन्होंने किया क्या, उठाया घास और शरीर काट दिया, उनको शरीर काट दिया, उनको हाहाकार मच गया। हैं, हमारे गुरुदेव को शरीर काट दिया, हमें पुराण पर सुनाएगा। उनका बेटा जो उग्र सभा सूत था बास, उनको सर पर हाथ रखे बलदेव प्रभु, सारे तत्व सिद्धांत उसके हृदय में अपने आप स्फूर्ति प्राप्त हो गया। उनको बैठा दिया, बात झटाझट सारे पुराना सुनना सुनाना शुरू कर दिया, हैं, पुराण सुनाना शुरू कर दिया। इसलिए हमें आदर किसको करनी चाहिए, अगर जैसे ठाकुर को पूजा हो रही है, जैसे पूजा जी होकर, जैसे ठाकुर जी का अगर कोई पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय अगर उस समय कोई श्रेष्ठ वैष्णव आ गए, देखो तुम ब्रह्मचारी को सुन लो, इसलिए श्रेष्ठ कोई वैष्णव आ गए, कोई सन्यासी आ गए, हैं, सन्यासी आ गए, अगर हम पूजा कर रहे हैं ठाकुर जी को, कोई सन्यासी अगर आ गया ना, उसी समय पूजा को रख देनी चाहिए, हैं, रखकर क्या करनी चाहिए, जो सन्यासी कोई आया होगा तो उनको जाकर प्रणाम करो, आदर करो, तो प्रसाद हो तो हाथ में तुलसी, उनको हाथ में थोड़ी सी प्रसाद दिया करो। हैं, कोई सन्यासी आ गए, कोई कोई पुराण कोई वैष्णव आ गए, सीनियर कोई वैष्णव आ गए, तो क्या करनी चाहिए, हैं, ऐसे हम घर बैठ कर बैठे हुए, कोई वैष्णव आ गया, कोई दर्शन कर रहे, हमको देख करके भी कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है ना बच्चों, क्या करनी चाहिए, कोई अगर सीनियर कोई वैष्णव सन्यासी कोई दूसरे गौड़ीय मठ से आए तो क्या करो, उनको उनको यथाजोग्य सम्मान देनी चाहिए, बात करनी चाहिए, महाराज कहाँ से आए, बैठो हो तो उनको हाथ में कोई प्रसाद हो तो प्रसाद हो, एक गिलास उनको पानी दो, उनको हर समय वैष्णव को आदर देनी चाहिए बट, नहीं तो आदर नहीं देंगे तो फिर तो मठ से चले जाएंगे, बट है जब मठ से चले जाएंगे इसलिए फिर वैष्णव अपराध हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते जो जो ये भक्ति है, जो भक्ति है सातवा भक्ति है संतोष, मोत संत अधिक करी देखा, इसलिए मेरे से संतों को ज्यादा महत्व देना है। तो जो आठवां भक्ति बोले जथा लाभ संतोष सफर नहीं नहीं देखी पर दोषा, तो जो आठवां भक्ति है जथा लाभ में संतोष रहनी चाहिए, ठाकुर जी को इच्छा से जो मिला है उससे ही संतुष्ट रह करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। कभी जो संतोष धर्म है ये बहुत बड़ा धर्म है, संतोष धर्म हम लोग कहते ना कमाई करो कमाई करो कमाई करो, मतलब क्या कम आई और ज्यादा चाहिए, कहते ना कमाई कमाई कमाई, मतलब कम आई और ज्यादा आनी चाहिए। इसलिए जो जो संतोष धन है कभी जगत में समझो ये सबसे बड़ा धन है, ये संतोष धन है जगत में, जितना देखना लोग को जितना मिल जाए ना कोई संतोष नहीं होता है, नहीं हमको इतना, अब कुछ लोग हमारे अंबानी को कुछ लोग क्या संतोष हो गया इतना पैसा, वो सोचता होगा पृथ्वी का सबसे बड़ा धन में बननी चाहिए, मुझे बननी चाहिए, ये संतोष धन बहुत बड़ा धन है, ये संतोष धन बहुत बड़ा धन है। इसलिए यहाँ पर कहते जथा लाभ संतोष, जो कुछ जीवन में मिला उसमें संतुष्ट होकर के क्या करो, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भजन करनी चाहिए। और कहते स्वप्न में वो ना ही देख ही बल दोषा, कहते स्वप्न में भी कहते दूसरों को दोष को स्वप्न में भी दूसरे दोष को नहीं देखने चाहिए, बोले जब हम दूसरे कोई दोष देखते हैं हम जिसको दोष देखेंगे ना कर उसका ही सारे अपगुण धीरे 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 हमारी अंदर में धीरे धीरे आने लग जाए। बोले जिस समय परीक्षित महाराज राजू तो कर रहे थे, जब उन्होंने देखा जगत में कुछ अनहोनी हो रही है, उन्होंने गए मेरे देश में कहाँ अनहोनी हो रही है, तब उन्होंने देखा एक एक प्यार में एक बैल खड़ा हुआ, और वो एक प्यार जो बैल खड़ा हुआ उसको एकदम शूद्र राजा वो क्या कर रहा है, उसको प्यार को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और वो पैसा बिष्टा मुद्र को विसर्जन कर रहा है। देखा है कि गैया खड़ी होकर के रो रही है, परीक्षित महाराज को आश्चर्य लगा मेरे देश में इतने अनुमान, तब उन्होंने पूछा गैया से ये कौन है, बोले ये पृथ्वी है,
बोले ये क्यों रो रही है? बोले भगवान चले गए कृष्ण, अभी ये कलयुग आने वाला, कलयुग में बड़ा अधर्म होगा, अभी ये पृथ्वी सोच रही है पाप को मैं कैसे सहन करूं, इसलिए रो रही है। तो उन्होंने जो तीन प्यार जिसका है नहीं, एक प्यार, तो उनको पूछा भैया तू कौन हो, तेरी ये दुर्दशा क्यों, तेरी ये तीन प्यार गया था, और ये व्यक्ति कौन है जो तुमको मार रहा है, एक प्यार को तोड़ने के लिए कोशिश कर रही है, ये है कौन, तुम इतने की दुर्दशा क्यों भोग कर रहे हो। इतने में उसने बोल पड़ा, मैं किसका दोष दूं, मैं किसका दोष दूं, जीव अपना कर्म का फल ही भोग करता है, इसलिए मैं किसका दोष दे ही नहीं सकता, क्योंकि स्वकर्म फल भी भूमा, जीव अपना अपना कर्म का फल ही भोग करता है, इसलिए मैं किसको दोष नहीं दे सकता। इसको सुन करके परीक्षित महाराज समझ कि ये धर्म है, ये धर्म है, क्योंकि जो धर्म है ना ये कभी भी दूसरे दोष को नहीं देख करके जीवन में जो कुछ आता है वो सोचता है अपना करना इसलिए अपना जीवन में जो कुछ आता है आत्मा कृतव विभागम, अपना किया हुआ कर्म का फल जीवन में आता है, हम किसको दोष नहीं दे सकता, समझ गए ये धर्म ही होगा। धर्म अगर नहीं होगा ऐसे बात को कभी ये बोल नहीं सकता, समझ गए धर्म है, क्योंकि हम जिसकी दोष देखेंगे क्या उसका धीरे 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 उसका गुण ही हमारे अंदर में धीरे धीरे उसका गुण ही आने लग जाएगा। इसलिए एक छोटी सी कथा सुनो, बोले एक समय कोई एक साधु किसी राज दरबार में भिक्षा मांगने गए, बोले भिक्षा दे इतने में राजा निकल कर गए, बोले हट्टे कट्टे बाबा कोई काम धाम नहीं कर सकते, भीख मांगने के लिए आ गए, फिर उन्होंने किया क्या, घोड़े का जो लीड था ना उसको झोली में दे दिया, लेकिन वो तो साधु था उसको लेकर चला गया। एक दिन राजा घूमते घूमते जो बाबा थे उसका आश्रम पर पहुंचे, उनको पता नहीं था वही बाबा वहाँ पानी के लिए पानी पीने के लिए पहुंचे, तो देखा घोड़े का जो लीड था ना वो एकदम पहाड़ लगा रहे, बोले इतना घोड़े का लीड इतना बड़ा कैसे हो गया, वहां पर जाकर के देखा, बोले बाबा ये घोड़े का लीड इतना कैसे, बोले देखो एक दिन मैंने आपका घर में भिक्षा मांगने आया था, याद है, बोले आप आए थे, बोले हाँ मैंने आया था, अब याद मेरे को आपने क्या दिया था, घोड़े का लीड दिया था ना, बोले बोले हाँ होगा, बोले देखो साधु को शुद्ध जो भजन पराया जो साधु है अगर आपको उसको कुछ दोगुना तो कभी कम नहीं होगा, बड़ी है शुद्ध साधु को दे रहे ना, और शुद्ध साधु को नहीं, ऐसे नहीं शुद्ध साधु को दिया भगवान की सेवा के लिए, उसको आत्मसात कर दिया, जो शुद्ध साधु उसको ठाकुर को सेवा में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, जब भगवान की सेवा में जो चीज लगाओगे वो तो बढ़ेगा ना, तो घटेगा नहीं, इसलिए एक दिन ये बढ़ते बढ़ते ना तुम्हारे देश में ये लीड का सिवाय कुछ रह नहीं जाए, पूरा राज्य तुम्हारी घोड़े का लीड रह जाएगा। भगवान हमने तो गड़बड़ी की, हमने तो चरण में गिर पड़े, बोले बाबा भाई अपराध हो गया, बताओ ये कैसे जाएगा पाप, तो देखो अगर तुम्हारी कोई निंदा चर्चा करना बुराई करते हो उसका सारे पाप उसके ऊपर चल जाएगी, इसलिए आप ऐसे कुछ काम करो पूरा राज्य में जैसे तुम्हारी बुराई बुराई छा जाए फिर से खत्म हो सकता है। बोले क्या करना पड़ेगा, बोले तुम्हारे राज्य को सामने तुम्हारे राजमहल को सामने जो फूल की जो बगीचा है ना वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बना, और तुम्हारे पास में जो बेटी है ना शादी के लायक, बोले हाँ, बोले तुम उसको ले करके अकेला वहाँ पर रहो, जब रहोगे पूरा राज्य में बुराई करेंगे, बोले देखो ये अधर्म राजा क्या कर रहा है, अपना जवानी बेटी को लेकर के अकेला रह रहा है, राजा है ना सारा दुनिया तुम्हारी निंदा कर, सचमुच से उसका बुराई बुराई पूरा राज्य राज्य में घर घर में उसको बुराई होने लग गई, घर घर में उसके बुराई, दुष्ट राजा कितने अधर्म काम कर रहा है, देखो अपना बेटी को लेकर क्या कर रहा है। एक दिन फिर राजा आया ऋषि के आश्रम में, देखा सारे खत्म हो गया है लेकिन एक टोकरी रह गई, बोले भैया एक टोकरी क्यों रह गई, बोले तेरे राज्य में सबके सब तेरे बुराई कर रहे हैं लेकिन एक बूढ़ी माता जी ने वो कभी इसकी बुराई करती नहीं, हर दिन भर माला लेकर के ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 वो भजन करती, किसको बुरा करती,
देखो उसकी हिंसा की, अगर वो बुराई करेगी ना खत्म हो जाएगा, नहीं तो तेरे को एक टोकरी खाना पड़ेगा। हाँ वो तो डर गया, डर करके उसने क्या कि अपना भेष बदलाया, भेष बदला करके वो माता जी को पास में गया। देखा सचमुच से वो माता जी बैठ करके भजन कर रही थी। इतने में आकर के राजा भेष बदलाया, इतने में बोले माता जी तुमने सुनी कि नहीं वो राजा क्या कर रहा है, तुमने सुनी हो, मतलब वो बोलती ना, हाँ हमने भी सुना, वो ऐसे काम कर रही है, हाँ कोई ऐसे काम कर रहा है राजा, वो सोच रहे थे बोलेगा बुराई करेगा, वो इतना बोलते ही ना, इतने में जो बूढ़ी माता जी बोले दुष्ट राजा, मैं अपना भजन प्रताप से सब कुछ मैं जानती हूँ, तुमने कोई राजा वो संत जब तेरे दरबार पर आया था तुमने उसको झोली में घोड़े का लीड किया, वो जो एक टोकरी बच गया था तेरे को खाना पड़ेगा, मैं किसकी बुराई नहीं करती हैं, तेरे को ही खाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कहते हैं कि हम जिसको बुराई करते हैं उसको धीरे धीरे उसके जितने सब गर्दी की धीरे धीरे हमारी अंदर में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो वो भक्ति है कभी भी स्वप्न में भी कभी जिसकी बुराई नहीं करती है। कहाँ चला के लेकिन जीव को ये चीज छोड़ना बड़ा कठिन, इसकी चुगली होना तब इससे बढ़िया मीठा जगत में कुछ नहीं, चटपट चीज दुनिया में कुछ हो, अगर वहां पर कोई बैठ कर इसकी बुराई करता होगा ना यहीं से पता चल जाता है वहां कुछ हो रही है वहां पर। आप देखना धीरे 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 वहां जाएगा, जाकर के सुनेगा धीरे धीरे जाकर, बोला हाँ मैंने भी सुना है मैंने भी सुना, ये मतलब ये बुराई चीज इतने इतने इससे जैसे चटपट दुनिया में कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर भगवान की कृपा हो, भगवान की आशीर्वाद हो, कभी ये चीज जा सकती, जो नपम सर्व सब छल छल ही मम भरस ये हृदय नदी, ऐसे जब नवा जो भक्ति है क्या है, अपना सरल होकर के हैं अपना छल कपट को परित्याग करते हुए भगवान के ऊपर में संपूर्ण रूप में भरसा करते हुए, इसलिए गुप्तते वरणम तथा भगवान ही हमारे एकमात्र पालन करता ये दृढ़ विश्वास पर रखते हुए क्या करते हैं, नवम एक और जीन की दो ही नारी पुरुष और सचराचर दो ही, जिसे कभी जो भगवान कहते हैं कि जो न करे का भक्ति अगर किसको अंदर में आ जाएगा, ठाकुर जी कहते हैं हे सबरी वो सबसे मेरे प्यारा भक्त जिसको अंदर में ये चीज आ जाएगी। पर सबरी ठाकुर जी का दर्शन करते करते ठाकुर जी खड़े थे और भगवान को दर्शन करते 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 उन्होंने अंतिम उन्होंने सबरी को त्याग दे करके अपना भगवत धाम को सबरी ने गमन किए। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे रहेंगो। कल से हम लोग शाम को दशम स्कंद की कथा सुनेंगे, ठीक है, सबरे पहले से और शाम को दशम स्कंद कृपा पतिता पावन गो वैष्णव।